मेरा कुछ डाटा का इश्यू से लाइव इंड हो गया था। तो सबसे पहले तो जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग लाइव शेयर करिए। मेरा ये चैनल, मैं ये मतलब आईडी से लाइव उतना नहीं आती हूँ, तो सबको पता नहीं है कि मेरा ये आईडी है, फेक आईडी में सब लोग जुड़ जाते हैं। आज मैं आप लोग के मतलब मैं सोची नहीं थी कभी भी कि किसी के बारे में कुछ भी मैं बोलूँगी, तो पर हद कर दे रहे हैं सब लोग। सब लोग नहीं, कुछ लोग हद कर रहे हैं, हद पार कर रहे हैं। तो आज मैं सच में बहुत लोग हैं कि खेसारी सर के फैन हुए, हमको गलत सोचते हैं कि सौम्या बदल गई, ये बदल गई, सौम्या ये हो गई। और खेसारी सर भी कोई चमचे बेलचे के बोलने पर वो स्टेज पर बोल दिए थे, उनको तो बेचारा कुछ पता है ही नहीं। ये लाइव है ना, खुद देखते हैं ये लोग। उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, एक यूट्यूबर है वो और महान व्यक्ति है चमचे बड़े, वो उनको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इतना बता दूँ तुम लोग को कि ये ऐसे हम लोग दिखाते हैं ना, तो ये चार पहले खुद का तरफ आता है, उसके बाद एक किसी और के तरफ जाता है, ठीक है? तो खुद दूसरों को बोलने से पहले ना खुद का झांक ले पहले, ठीक है? मैं कैसा हूं, क्या किया हूं आज तक, कितना लोगों का चुरा के मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है? अरे जिसको तू बोलता है ना, हम इतना सपोर्ट करते थे वो लड़की को, क्या किया है, कैसा बर्ताव करता है। बहन तो हूं मैं, बहन का रिश्ता तो बनाया हुआ है, पर मुंह जो तुम्हारा है ना बोलने का ही है, कितना भगवान अच्छा तुम्हारा संस्कार दिए हुए है, ठीक है? और तुम क्या करते हो अपना फायदा के लिए, खुद का कोई कहीं रिश्ता खराब है तो सोमया वहां काम मत करो। क्यों तुम देगा उतना, तुम दोगे बताओ? हम नहीं करेंगे, मेरा फैमिली नहीं है, मैं अंबानी की फैमिली से हूं कि बैठ के खाऊंगी तो जिंदगी भर मेरा फैमिली चल जाएगा। एक मैं हूं ना, मैं अपना फैमिली को कमा के खिलाती हूँ, कोई मेरा फैमिली में दूसरा कोई काम नहीं करता, एक मेरा शॉप है वही है, ठीक है? मेहनत करती हूँ तब कुछ कमाने के लिए कहीं आता है आदमी। क्या तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है हमसे बताओ जरा, करना क्या चाहते हो? अब खुल के बता दूँ, आज प्रमोद सर के उन लोग के कुछ लफड़ा था प्रमोद सर के साथ, तो बोल रहे कि तुम प्रमोद सर के साथ काम करोगी तो खेसारी से तुमको दूर होना पड़ेगा। खेसारी सर तो आज तक हमको नहीं बोले कि तुम प्रमोद के साथ काम करोगी तो सोमया मेरे साथ काम नहीं कर पाओगी, तुम ऐसे कभी भी नहीं बोले। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है, जिनको काम कराना है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है उससे? और मैं आज काम कर रही हूँ कुछ, हम भोजपुरी में काम कर रहे हैं, वहां से नेपाल से आके भोजपुरी में काम कर रहे हैं। आज उन लोग को इतना खटक रहा है ना, सोच रहे कि सोमया कैसे भाग जाए, सोमया को कैसे हटाए। बताइए आज तक आप लोग देखे हैं कभी भी सोमया तुम इसके साथ मत काम करो बोल के खेसारी सर बोले हैं, कभी भी देखे आप लोग? पर यहाँ पर ऐसे लोग हैं ना, आज इंटरव्यू देते हैं कि सोमया बदल गई, क्या इतना अच्छा निकल रहा है ना, मन कर रहा है ना अभी सब पब्लिक कर दे तुम लोग का करतूत, हद पार कर दियो। कभी 2 बजे रात को 200-300 लड़कों को लेके एक लड़की को मारने आ जाते हैं रात को, ठीक है? मैं अपना घर अपना नेपाल छोड़ के इंडिया आके बैठी हुई हूँ, यहाँ मेरा कौन है? कुछ भी ये लोग कर सकते हैं ना, कल का दिन में हमको मार के कुछ भी कर दे, इसका जिम्मेवार कौन होगा? बोल दे अभी, सब बता दे पब्लिक को कि तुम लोग क्या क्या करते हो। बताइए ठीक है मैं काम नहीं कर रही हूँ तो उतना काम आप दो हमको कि मैं नहीं करूँ किसी के साथ काम। 6 महीना 7 महीना मैं घर पे बैठी थी ना कि प्लीज भैया हमको काम दे दीजिए, प्लीज सर हमको काम दे, कितना काम दिया आप लोग बताइए कि मैं काम ना करूं किसी के साथ, बताइए। और बीच में तुले हुए देखिए, मैं इतना बता दूं कि आप लोग कुछ करेंगे ना तो
आप लोग का नाम बदनाम नहीं होगा, मेरा नाम खेसारी सर से हुआ है, ठीक है, आप लोग से नहीं हुआ है मेरा नाम। कोई हमको आज पहचानता है ना तो खेसारी सर के नाम से पहचानता है, आपके वजह से नहीं पहचानता है। कल का दिन में अगर हमको कुछ भी होगा ना तो खेसारी सर का नाम बदनाम होगा, आपका नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी उस इंसान को इज्जत करते हैं ना तो ये सब करना छोड़ दीजिए। इंटरव्यू 36 को इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, ठीक है। मेरा सनक गया ना तो मैं सच में पब्लिक कर दूंगी आप लोग का करतूत क्या क्या है। बहन तो बोलते हैं पर आप लोग का ये है ना, ये भगवान दिए हुए है बोलने के लिए और ये सोचने के लिए दिमाग, आप लोग क्या क्या करते हैं। मैं आज तक अभी तक भी बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है। मैं एक बड़े भैया की तरह अभी भी मानती हूँ। तो मैं प्लीज मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए, ठीक है। आप लोग अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। और रहा बात खेसारी सर का, तो हमेशा खेसारी सर को ना, हमेशा ये सौम्या पोखरियाल जब तक ये धरती पर है हमेशा एक गॉड की तरह मानती थी और मानते रहूंगी। कुछ भी लोग बोले उससे हमको मतलब नहीं है। उस इंसान के लिए क्या बोलू मैं, जितना सुनी हूं ना। और सबके साथ एक होता है ना, कुछ टैटू बनाने से कुछ करने से गलती नहीं होता है। मैं बोल रू ना, मैं गॉड की तरह उनको हमेशा मानती हूँ। दूसरों का बहन और माँ का सम्मान करना सीख भाई तू। अरे गौतम जी छोड़ दीजिए आप, मैं आप उन लोगों के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है। और अभी अभी आके बोल रहे हैं कि अभी आके गेम खेल रहे हैं, पता है क्या, अभी आके गेम खेल रहे हैं कि तुम काम नहीं कर रही हो ना, देखो हम तुमको जलाने के लिए क्या क्या करते हैं। अरे हमको जला के क्या कर लोगे तुम लोग, अगर मेरा किस्मत में लिखा होगा जितना तो वो तो कहीं से मिल जाएगा है? इतना महान तुम लोग, इतने बड़े हो यार, भोजपुरी के एक शान है आप लोग। तो आप लोग इतना पता नहीं है कि हमारे कुछ बोलने से कुछ प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोग के सामने हूं क्या, आपकी बहन की उम्र की होंगी मैं, तो आप लोग का ये करने से आप लोगों को क्या फायदा होगा बताइए। क्या फायदा होगा, देखिए मैं इतना बता देना चाहती हूँ। अभी भी आप जो सोच रहे हैं ना भैया, आप जो सोच रहे हैं ना, याद रखिएगा मैं होने नहीं दूंगी वो। और खेसारी सर को गलत बनाने में आप लोग लगे हुए ना, केस करने वाले हैं क्या क्या प्रूफ से, मैं क्या क्यों आप लोग के साथ कि मेरे साथ पुलिस केस करेंगे है? आप ही लोग बताइए, खेसारी सर के जितने भी फैन है मैं सबको पूछना चाहती हूँ, अगर एक लड़की अपना देश छोड़ के आपका क्या, हम लोग सबका भोजपुरी है, हम लोग जितने भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, जितने भोजपुरी की जनता है सबको पता है कि हम लोग भोजपुरी से कितना प्यार करते हैं। हम एक नेपाल से होके आके भोजपुरी को इतना प्यार करते हैं, भोजपुरी में काम करना चाहते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, भोजपुरी को प्यार दे रहे हैं और यहाँ के बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरा पटना में कौन है, कोई है मेरा पटना में, नहीं ना है। ये लोग 200-300 लड़के को लेके रात को मारने आते हैं सौम्या को, कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी लेंगे ये लोग है? क्या क्या बोलते हैं, 3 तारीख को सौम्या को हम गोली मार देंगे बोले, हमको अभी बोले, ठीक है, 3 तारीख को सौम्या को हम पटना का चौक पर गोली मार देंगे, ठीक है, मार दे गोली, हम भी देखते कैसे मारते, मार दे गोली। आप लोग के बीच इतना अच्छा बनते हैं ना ये लोग, और आप लोग सोचते हैं कि सौम्या दूर हो गई। मैं खेसारी सर से कभी जिंदगी में दूर नहीं होंगी, हमको काम से खेसारी सर का लालच नहीं है, नहीं दे हमको जरूरत नहीं है खेसारी सर का काम देने, बस मैं उनको मानती हूँ, हमेशा मानते रहूंगी। अगर उनका हाँ सौम्या से काम होगा, उनको लगेगा तो वो देंगे तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगी खेसारी सर को, हम खेसारी सर के साथ हमको काम ही करना है, नहीं।
या आप लोग को ना ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके ना घुमा देते हैं आप लोग का दिमाग। 3 तारीख को ये लोग हमको गोली मारने वाले हैं, समझ आइए। इसकी जिम्मेवारी, अगर हमको खरोच भी आया तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगा बताइए? पटना में हमारा और कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, ठीक है? अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगा? बदनामी किसका होगा आप ही लोग बताइए। बताइए बदनामी किसका होगा? इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं आप लोग कि हम इतना किए हैं। क्या किए हैं, क्या किए हैं आप लोग, किए क्या है? सब कुछ आप ही लोग किए, तो खेसारी सर मेरे लिए कुछ नहीं किए इसका मतलब? सब लोग आप ही लोग इतना नाम दिए, आज हमको 4 लोग पहचान रहे तो आपका वजह से पहचान रहा है। खेसारी सर कुछ नहीं किए मेरे लिए। गोली मारेंगे ना, गोली मारेंगे, देखते हैं कहाँ कितना गोली मारते हैं आप लोग। और हमको एक खरोच भी आया ना, इतना यहाँ नेल से ऐसे खरोचते हैं ना, उतना भी खरोच आया ना तो तुम्हारा जीना आराम कर देंगे हम, ये सोच लेना। दिमाग मेरा सनकाओ, मैं भी एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, तुम भी एक ब्राह्मण हो, सोच लेना। इतना जब खून गर्म हो जाता है ना तो दिमाग भी काम नहीं करता है। आज तक मैं इज्जत करती थी पब्लिक में, कभी नहीं सोची थी कि मैं ये बात को लाऊंगी, जिस इंसान को मैं इज्जत करती हूँ इतना। अरे कितना बेशरम हो तो क्या बोलू मैं, रात को 2-3 घंटा आके प्लीज सोमया, प्लीज ये, प्लीज वो करते हो तुम लोग, कि गाड़ी में रोते हो कि सोमया ये कर दो, सोमया वो कर दो। और जाने के बाद वो अपने स्टूडियो में जाके लाइव आ जाते हैं, सोमया ये, सोमिया वो, इंटरव्यू देते हैं। अरे वो इंटरव्यू एक बना हुआ है, वो एक है होता है ना वो सुअर सा मुंह वाला, वो लगता है सुअर का थोपड़ा चिपकाया हुआ है उसके ऊपर। वो बोलता है कि हम लाए सोमिया पोखरेल को, तुम्हारा तुम्हारे लाने से हम सोमिया पोखरेल हुए हैं, है? तुम्हारा लाने से सब लोग खेसारी लाल यादव बन गए, है? तुम लोग का थोड़ा सा इतना भी है, उनका पैर का नो में भी लगने वाला है उनके, कि तुम लोग लाए हो, है? कुछ भी डॉलर नहीं आता ना, इतना नहीं आता ना तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता। गिर रहा था मेरे वजह से डॉलर टुक टुक, तब तुम लोग किए हो। रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ भी बोल देने से सौम्या तुम्हारे वजह से नहीं आ जाती है, ठीक है? सौम्या को आज 4 लोग पहचान रहा है तो वो है खेसारी लाल यादव, ठीक है? और उस इंसान को तुम लोग बोलते हो कि हम भूल गए, ये मिटा दी। कितने लोग इंटरव्यू कर रहे हैं कि ये मिटा दी, ये जब तक मैं जिंदा हूं तब तक रहेगा। और वो मेरे लिए ना खेसारी लाल यादव नहीं है, वो मेरे गॉड है हमेशा, ठीक है? इतना बेशरम मत बनो कि हम कल का दिन में तुम लोग का सब पोल खोल दे, ठीक है ना? और जिस इंसान के सामने तुम लोग ढोंग रचते हो ना जाके, हम भैया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी भैया को सब पता चलेगा ना कि तुम लोग फैन के साथ क्या करतूत करते हो, तो पता चले उस भैया को भी, ठीक है? क्या मैं बताऊं यार, मैं सोच रही थी कुछ नहीं बोलूं, चलिए कोई इंसान है भाई, कोई कोई बोल दिया गुस्सा में या कुछ में, तो मैं बोल रही थी कि चलिए खेसारी सर के वजह से मैं इज्जत करती थी, मैं खेसारी सर को जितना इज्जत करती थी ना उसी वजह से तुम लोग की इज्जत करती थी। पर अब तुम लोग नहीं, उस लायक है ही नहीं तुम लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सोम्या पोखरेल को जैसे भी मार देना है, ठीक है? हमको धमकी आया हुआ है, मेरे पास सब कुछ रिकॉर्डिंग, आप लोग जो भी मांगे, 2 घंटा का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और हमको मारने के लिए ना ये लोग क्या क्या साजिश रच रहे हैं ना, पहले तो 2-3 लोग हैं तिरुमूर्ति केस करने वाले मेरे पर, फेक केस। मैं पूछना चाहती हूँ किस वजह से, क्या मैं की हूँ तुम लोग का बेरी में से धान चुराई हूँ कि 2-3 करोड़ तुम लोग लेके बैठे हो, वैसे मैं भी लेके बैठी हूँ तुम लोग का, है कि तुम लोग मेरे ऊपर केस करोगे? 2-3 करोड़ तुम लेके बैठे हो, तुम्हारे ऊपर 10 गो केस है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पास से लेके बैठी हूँ क्या जो मेरे ऊपर केस करोगे तुम लोग? परेशान क्यों कर रहे हो बताइए? मैं क्या चाहते हैं आप लोग, कि मैं काम उम छोड़ दूँ?
आपको मैं आज भी बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं किसी के साथ काम ना करूं, तो उतना काम आप हमको दीजिए, ठीक है? मैं नहीं करूंगी, उतना काम दीजिए हमको। आप किस किस लिए ढोंग रस्ते फिरते हैं? खुद का फैमिली चलाने के लिए ना, रोजी रोटी चलाने के लिए ना। परेशान नहीं करिए प्लीज, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ है। आप लोग अपना इज्जत बनाए हैं मार्केट में, उसको बदनाम करने में नहीं तूलिए, ठीक है? नहीं तो एक बात बता दो, आज तक ना आप लोग के सामने ना सौम्या पोखरियाल कभी कोई लड़की आई थी ना आने वाली है, पर ये जो है ना बहुत अलग है, और जब सनक जाएगी ना तो हिला के रख देगी, समझ जाइएगा प्लीज। अब फोन करके फिर, अब हमको पता है ये लाइव देखेगा ना, तो फोन करेंगे अभी मेरे पास, बोलेगा तुम हमको ऐसे बोली रे, तुम्हारा ये औकात। पता है लोग क्या करते हैं, आप लोग के सामने बोलते हैं ना कि हम लोग का धरोहर है पवन सर, भोजपुरी के धरोहर है पवन सिंह, ये सर क्या बोलते, ये लोग क्या बोलते पता है? एक पवन सर के गाने पर रील बना देने पर ये लोग क्या बोलते पता है? तुम पवन के गाने पर रील क्यों बनाई, क्यों ढोंग रचते हो? भोजपुरी के धरोहर है, उन धरोहर के गाने पर रील बनाने पर तुमको टेंशन हो जाता है, अब बदनामी कर देते हो खेसारी सर को। शुक्र मनाइए कि अभी तक मेरे जगह पर दूसरी लड़की नहीं है, ठीक है? मैं आज भी भैया की तरह आपको बड़े भैया की तरह मानती हूँ, तो इज्जत थोड़ा उसका ख्याल करिए, ठीक है? और शांत बैठिए। अगर आपको काम सौम्या से दिक्कत है तो नहीं दीजिए, मैं मांगने भी नहीं जा रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ फोन करके कि प्लीज सौम्या को मैनेज करा के लिया दो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं और आप ही को दिक्कत है। थोड़ा आप हमसे सीनियर हैं तो उसका इज्जत करिए, ठीक है? दिमाग से सोचिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इतना भी बुरा दिन आपका नहीं आया है कि रोते घूमना पड़े आपको, ठीक है? और आप जिसके सामने ढोंग रचते हैं ना कि मैं इन भैया को बहुत मानता हूँ, उस भैया को पता चलेगा ना आपको, वो भैया कितना खेसारी सर आपको कितना इज्जत करते हैं बताइए, कितना मानते हैं। अगर उनको ये सब करतूत पता चले कि आप लोग पीछे से उनके फैन के साथ उनके साथ क्या क्या करतूत करते हैं, तो उनको कैसा लगेगा बताइए? शुक्र मनाइए कि मैं दूसरी लड़की की जैसी नहीं हूं, कि कुछ होने पर करके रो दू, ठीक है? पर एक बात चैलेंज आपको दे रही हूं, अगर आप इसके बाद मेरे बारे में अपना लव से, आप तो इतना भी बोले थे तुम्हारा नाम मेरा लव से निकल गया ना तो मैं उस क्या चीज का बेटा हूं, अगर इसके बाद मेरा नाम निकाल दे ना फालतू में, तो मैं सच में बोल रही हूँ अब मैं शांत भी नहीं रहने वाली हूँ। मैं पब्लिक सबको बता देना चाहती हूँ कि आप लोग पूछते हैं ना कि खेसारी सर से आप दूर क्यों हुए, मैं खेसारी सर से दूर कभी नहीं हूँ, मैं खेसारी सर को हमेशा मानती हूँ, हमेशा मानते रहूंगी। ऐसे लोगों से दूर हूँ मैं, ऐसे ये जो खुद के सबके सामने अच्छे बनते हैं और अंदर अंदर से कुत्ता बिल्लाई जैसे हरकत करते हैं ना, ऐसे लोगों से दूर हूँ मैं। तो हाँ, एक 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 यूट्यूबर है उसको बता देना चाहता हूँ, देख अगर इतना गलत हूँ ना जो मेरा गाना लेके चढ़ाया हुआ है, वो डिलीट कर दे, प्राइवेट भी मत करना, डिलीट करना, और उसका चुपचाप से थोड़ा सा भी इज्जत है तो पैसा डाल, मेरा नंबर है तेरे पास, पैसा चुपचाप से भेज देना, ठीक है? इज्जत करता है ना, इज्जत नहीं पड़ता है, कलयुग है ना, यहाँ पर जितना लात जुत्ता से मारेंगे ना उतना अच्छा लगेगा, इज्जत करेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कौन है जो आपको पता है, आप लोग जिसको मानते हैं ना इतना अच्छा मानते हैं, रुकिए ना मैं इतना बता दूं ना कि मैं सच में बोल रही हूँ ना, हमको इतना परेशान करेंगे ना, आप ही लोग बताइए। मैं आके यहाँ पर बैठी हुई हूँ पटना में, कल का दिन में ये लोग 200-300 लोगों को लेकर मारने आ जाते हैं, कल का दिन में कुछ भी हो जाए इसका जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए ना?
नाम किसका बदनाम होगा बताइए। और आप लोग बोलते कि खेसारी सर से दूर हुई है, वो लोग खेसारी सर से मिलने भी नहीं देते, इतना उनको भड़का दिया है ना खेसारी सर को, लगता है ना कि मैं ही गलत हूँ। मेरा लास्ट लाइव है, इसके बाद अब आमना सामना कॉल रिकॉर्डिंग आप मुझे, मैं कॉल रिकॉर्डिंग आपको नहीं पूरा पब्लिक को भेज सकती हूँ। थोड़ा दिन रुक जाइए, एक दो दिन और रुक जाइए, बर्दाश्त से बाहर कर रहे हैं ना, मैं सच में भेज दूंगी कॉल रिकॉर्डिंग। ये लोग सच में हमको मारने भी आए थे, उसका फोटो भी है मेरे पास, रुके मैं सब कुछ भेज दूंगी, गली का नंबर तक नोट के, यहाँ यहाँ जितने मैं इस जहाँ रहती हूँ ना मोहल्ले में सबको पता है कि हमको मारने आए थे, सबका गेट ढकढका रहे थे जाके कि सोम्या इसमें रहती है, सोम्या उसमें रहती है। क्यों तो क्यों मैं इतना बड़ा तुम लोग के साथ क्या की हूँ, क्या तुम्हारा तुम लेके बैठे हो 3 करोड़ 4 करोड़ वैसे ही तुम्हारे लेके भाग गई हूँ मैं कि तुम मारने आए थे हमको। हाँ जिस मुंह से तुम बहन का शब्द निकालते हो उस मुंह से हमको क्या क्या गालियां दिए हो, क्या क्या करने को बोले हो, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, कैसे क्यों परेशान नहीं करिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ। और खेसारी सर को अगर हमसे दूर किए हैं ना आप लोग, तो इतना याद रखिएगा, एक भगवान ना एक भक्त से कभी दूर नहीं हो सकता है, ठीक है? तो वो मेरे भगवान है और मैं उनकी भक्त हूँ, तो वो कभी दूर नहीं हो सकते। आज नहीं तो कल मैं खेसारी सर से एक बार सब कुछ तुम लोग के बारे में बताऊंगी, और जो जो है ना करतूत सब वो भी बताऊंगे, तब खेसारी सर को खुद पता चले। वो तो अभी तुम लोगों का बात सुन रहे हैं ना, मेरा तो बात सुने नहीं है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ अभी, अभी भी इज्जत करती हूँ, शांत रहिए और अपना काम करिए। और पब्लिक में तुम लोग जितना अच्छा बन के इंटरव्यू दे रहे हैं ना, अगर हम देना शुरू कर देंगे ना इंटरव्यू, तो क्या होगा सोच लेना, ठीक है ना? इंटरव्यू देना हम ही स्टार्ट कर देना, तो क्या होगा सोच लेना, ठीक है? जिस इंसान को तुम लोग इतना ढोंग रच के बोलते हो ना, हम इतना मानते हैं उतना मानते हैं, इसी कान से और इसी आंख से और उसी फोन में रिकॉर्डिंग है कि तुम लोग उनको क्या क्या बोलते हो, और बोलते हो कि पब्लिक में सोम्या को हम लोग इतना सपोर्ट किए हैं, और उसी दिन तुम्हारा मुंह से ही बका हुआ सब कुछ है मेरे पास, कितना तुम लोग सपोर्ट करते हो, ठीक है ना? और रहा बात की जितने भी लोग ये लाइव को देख रहे हैं, मैं सबको बता देना चाहती हूँ, मैं खेसारी सर से कभी दूर नहीं हूँ, बस दो तीन चमचे कुत्ते बिल्ले हैं जो हमको दूर करके रखे हैं। खेसारी सर को भी पता नहीं है ये सब बात, इसलिए खेसारी सर को भी कुछ गलत लगा होगा, पर खेसारी सर को मैं बता देना चाहती हूँ अब कि खेसारी सर से कभी मैं दूर नहीं हूँ, और खेसारी सर को जितना भड़काया गया है ना, सच में बोल रही हूँ, अगर मेरी जगह पर दूसरी लड़की है ना, मेरे पास जितना प्रूफ है अभी तक मैं सब पब्लिक कर देती। मैं लास्ट में यही बताना चाहती हूँ कि मेरा ये लास्ट लाइव है आप लोग के लिए, जो लोग हमको धमकियां दे रहे हैं मारने के लिए, 3 तारीख का वेट कर रहे हैं हम, 3 तारीख सोम्या को पटना में गोली मारने वाले हैं, आप लोग सबका बात बता आपके सब सबके बीच में बता दे रही हूँ। मैं 3 तारीख के सुबह लाइव आऊंगी, और उसका नाम और उस जो जो वो लोग मिले हुए हैं उसका वॉइस और उसका जितना बोले है ना प्रूफ हम सबके सामने दे के बैठेंगे, क्योंकि हम क्या पता मर जाए सच में, उसके बाद थोड़ी कोई दिखा देगा मेरा वो लोग क्या क्या करते हैं।